दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटा सा एम्पलीफायर सर्किट यहाँ पर दोस्तों बना के बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस माचिस की डिब्बी के अंदर दोस्तों एक एम्पलीफायर है जो कि बहुत बड़े स्पीकर को यहाँ पे चला सकता है। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे 6 इंची के मेरे पास स्पीकर है बड़ा वाला, इस स्पीकर को मैं यहाँ पर चला के आपको भी दिखाने वाला हूँ और इस एम्पलीफायर को दोस्तों यहाँ पर बना के भी आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन सा सर्किट मैंने लगाया है और किस प्रकार से मैंने यहाँ पर कनेक्शन किया है। तो इससे दोस्तों आप 6 इंची 8 इंची के स्पीकर आराम से चला सकते हैं और बहुत ही फुल आवाज़ के अंदर आप इसको चला सकते हैं। और इसकी साउंड अभी आप देखना, पहले मैं आपको साउंड सुनाऊंगा यहाँ पर चला के बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं इसको बना के आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए मेरा ये सर्किट है, ये कनेक्ट कर रखा है, इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसका एम्पलीफायर का ये पोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोस्तों इसके अंदर लेफ्ट और राइट यानी कि दो आउटपुट भी इसके अंदर निकल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंगल कनेक्शन ओनली किया है, एक स्पीकर मैं आपको यहाँ पर चला के बताऊँगा। दोस्तों आप यहाँ पर स्टीरियो आउटपुट भी यहाँ पर ले सकते हैं, डबल स्पीकर भी यहाँ पर चला सकते हैं बड़े बड़े 10 इंच तक के इस छोटे से एम्पलीफायर के द्वारा। और दोस्तों मात्र ये 30-40 रुपए में ये एम्पलीफायर सर्किट आपको मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दे रखा है। और सर्किट कैसा है वो आपको मैं यहाँ पे इसको खोल के और इसको बना के यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो कनेक्शन किया है ऑडियो इनपुट देने के लिए, यानी कि सिग्नल कहाँ से देना है इसको दोस्तों आप मोबाइल के द्वारा भी इसको दे सकते हैं और कहीं से भी ऑडियो सोर्स, दूसरा ऑडियो सोर्स है वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो एक पिन है छोटी सी आप देख सकते हैं 3.5 mm की, तो इसको यहाँ पे दिया। और दूसरी जो पिन है इसको मैं यहाँ पे दोस्तों मोबाइल के साथ कनेक्ट करके इस एम्पलीफायर की साउंड आपको यहाँ पे सुना के बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर का आउटपुट है, यहाँ से दोस्तों ये जो तार हैं स्पीकर में जा रहे हैं मेरे, इस बड़े स्पीकर के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर दो तार आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी पावर सप्लाई का है। पावर सप्लाई के दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है इस चार्जर के द्वारा मात्र इसको सप्लाई दी है 5 वोल्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस ये हमारा सर्किट है। अब मैं यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करता हूँ और आपको सबसे पहले यहाँ पे इसकी साउंड सुनाता हूँ और उसके बाद में दोस्तों इसको असेंबल करना मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मेरा मोबाइल यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल की यहाँ पर मैंने पिन कनेक्ट कर ली है और मैं अब इसकी पावर सप्लाई चालू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेरे एम्पलीफायर की जो पावर सप्लाई भी ऑन कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसकी ये एक्सटेंशन बोर्ड में मैंने चार्जर लगा रखा है और इससे मात्र इसको 5 वोल्ट देंगे और इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड हम यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। तो ये मेरा स्पीकर है, इसी स्पीकर में दोस्तों आपको साउंड मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम गाना चलाते हैं दोस्तों, कॉपीराइट फ्री में यहाँ पर गाना चलाऊँगा। तो यहाँ डाउनलोड में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास 2-3 कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हैं, वो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चला के बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी इसकी साउंड है और कितनी ज़्यादा इसकी साउंड है। अब दोस्तों मैं आपको इस सर्किट को असेंबल करना बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको असेंबल किया है और इसके अंदर कौन सा सर्किट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और किस तरीके से यहाँ पर मैंने उसका कनेक्शन किया है। दोस्तों इस प्रकार के एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगा, उसके बाद में दोस्तों इस छोटे से सर्किट को यहाँ पर मैं असेंबल करके आपको दिखाऊंगा और इस एम्पलीफायर को यहाँ पर चला के आपको दिखाने वाला हूँ। इसके द्वारा दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड आपको यहाँ पर मिलती है, बड़े बड़े स्पीकर 6 इंची तक के स्पीकर इससे आप चला सकते हैं, 4 इंची का स्पीकर तो नॉर्मल है इसके लिए और बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्वालिटी मिलेगी साउंड की। और दोस्तों ये जो है 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है इसलिए इसको मोबाइल चार्जर के द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है और मोबाइल चार्जर के द्वारा ही मैं इसको आज आपको ऑपरेट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल्स दे रखे हैं 2 यहाँ पे 0.5 वोल्ट DC सप्लाई के लिए, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट DC सप्लाई इसको देनी है। आप इसको जो है मोबाइल चार्जर के द्वारा जोड़ सकते हैं, 5 वोल्ट की केवल इसको सप्लाई की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर पास में दोस्तों आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट के टर्मिनल दे रखे हैं लेफ्ट और राइट, बीच में इसका ग्राउंड है यानी कि स्टीरियो इनपुट इसके अंदर दे सकते हैं आप
दो स्पीकर इसमें आप चला सकते हैं, दो इनपुट इसमें आप एक साथ दे सकते हैं। और इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पर इसका आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका राइट आउटपुट और इधर मिलता है इसका आपको लेफ्ट आउट, यानी कि इसमें आपको जो है डबल आउटपुट आपको मिलता है, स्टीरियो आउटपुट आपको मिलता है। इसमें आप दो स्पीकर दोस्तों यहाँ पर चला सकते हैं, बहुत ही छोटा सा सर्किट है। तो अभी इसका हम कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे स्पीकर के आवाज़ जो है तार जोड़ेंगे लेफ्ट और राइट के, और आप चाहे तो एक भी जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ो। अगर आपको एक स्पीकर चलाना है तो आप एक जो है आउटपुट भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और इनपुट भी आप चाहें तो यहाँ पर दो दे सकते हैं या फिर एक भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट की इसको सप्लाई देनी है बस। इसके अलावा यहाँ पर कोई इसके अंदर कनेक्टर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सर्किट है दोस्तों। इस सर्किट के अलावा हमको क्या क्या चाहिए वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेना है, एक पोर्ट ले लेना है, पोटेंशियोमीटर जिसको बोलते हैं इस प्रकार का, और इसकी वैल्यू आप चाहें तो 10K या फिर 100K 50K जो भी आपके पास अवेलेबल हो कोई सा भी आप ले सकते हैं। 10K मिनिमम आपको लेना है, 10K से 100K के बीच में आप कोई सा भी पोर्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पोर्ट के अंदर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पर पहले वाले पे आपको इनपुट देना है सिग्नल इनपुट, दूसरे वाले से आपको सिग्नल आउटपुट लेना है, और तीसरे वाले पे आपको ग्राउंड टर्मिनल जोड़ना है। यानी कि तीसरा जो पोर्ट का टर्मिनल होता है, आप देख लीजिए कभी पोर्ट का कनेक्शन आपको करना हो तो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं कहीं पर भी, चाहे कोई सा भी एम्पलीफायर हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है उसके अंदर हमको इनपुट देना होता है, सेकंड वाले से आउटपुट लेना होता है, और थर्ड वाले पे ग्राउंड करना होता है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है एक 3.5 mm का जो जेक होता है ऑडियो इनपुट के लिए, मोबाइल के द्वारा यहाँ पर इनपुट हम देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 3.5 mm का जेक मैंने यहाँ पर लगाया है इस तरीके से, और ये यहाँ पर जो बेस लिया है जो थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा काट करके इस प्रकार से ले लिया है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं एक जो होल दिख रहा है आपको इसके अंदर ये पोर्ट यहाँ पर लगा दूंगा, और ये जो सर्किट है हमारा उसके अंदर लगा दूंगा, और इसके कनेक्शन जो है इसके अंदर करेंगे। अब कनेक्शन मैं यहाँ पर करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि किस तरीके से हमको यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लगा देते हैं इस पोर्ट को, तो इस प्रकार से पोर्ट को यहाँ पर हमको लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर जो ये हमारा सर्किट है इसके अंदर हमको कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन क्या क्या करने हैं, एक स्पीकर का कनेक्शन करना है, सप्लाई के कनेक्शन करने हैं, और जो ये पोर्ट हैं इसके यहाँ पर कनेक्शन करने हैं, और जो ये जैक है हम जिसको मोबाइल के द्वारा जोड़ेंगे इसके अंदर कनेक्शन करने हैं। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा इसको देंगे, जैसे मोबाइल के द्वारा देंगे, तो इस 3.5 mm के जेक के थ्रू हम यहाँ पर देते हैं इसको। फिर इसका आउटपुट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसका आउटपुट है। इस आउटपुट को हम यहाँ पर सबसे पहले पोर्ट में देंगे, और पोर्ट के द्वारा हमारा सिग्नल कंट्रोल होगा, और उस कंट्रोल सिग्नल को हमारे इस सर्किट के इनपुट के अंदर हमको देना है। तो यहाँ पर आपके इनपुट दो हैं लेफ़्ट और राइट, तो आप लेफ़्ट या राइट किसी में भी यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है सिंपली, प्लस और माइनस दो तार यहाँ पर जुड़ेंगे, और यहाँ पर स्पीकर के आउटपुट हैं इस तरफ, तो यहाँ पर दो तार जोड़ने हैं, यहाँ पर दो तार जोड़ने हैं लेफ़्ट और राइट के लिए, और यहाँ पर स्पीकर आउटपुट आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन करता हूँ इस सर्किट का सबसे पहले। तो इसके लिए दोस्तों आपको तार की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, कनेक्टिंग वायर की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप कनेक्टिंग वायर ले लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर सप्लाई के दो तार यहाँ पर निकाल देता हूँ, बारी बारी से यहाँ पर सभी कनेक्शन हमको यहाँ पर करने हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दो तार सबसे पहले सप्लाई के अंदर जोड़ूँगा, आपको यहाँ पर कनेक्शन करने हैं सिंपली। अब मैंने यहाँ पर सप्लाई के दो तार यहाँ पर जोड़ दिए हैं, और अपने हिसाब से इसको तार को कितना लंबा यहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ पे सप्लाई के लिए यहाँ पर कोई कनेक्टर जोड़ा नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर या इधर कोई डीसी सॉकेट यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे जोड़ा नहीं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे तार बाहर निकाल लूँगा, उसको मोबाइल चार्जर के साथ यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो मुझे कितना लंबा ये तार चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पर तार का जो साइज़ है
वो यहाँ पर कट कर लूँगा। तो मेरे इतना तार बहुत है यहाँ पर चलाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इतना कट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है, सबसे पहले यहाँ पे दो तार जोड़ने हैं हमें सिग्नल के, और फिर इस सर्किट में हमको जोड़ना है। अब दोस्तों इन दोनों तारों को हम यहाँ पर जो हमारा जैक है 3.5 mm का, इसके टर्मिनल पे हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पता कर लेना है कि इसका जो पॉजिटिव और जो ग्राउंड है वो कौन सा टर्मिनल्स हैं। तो इसको दोस्तों आप मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे लगाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है, अभी दोस्तों अपना जो मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, किस प्रकार से इसको चेक करें, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको 3.5 mm वाली केबल लेनी है इस तरह की, इसके अंदर इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ 3.5 mm का यहाँ पिन है। तो इसको चेक करने के लिए कि यहाँ पे जो टर्मिनल्स आउटपुट हैं वो कौन सा है, कहाँ पर ग्राउंड है और कहाँ पर कौन सा है, वो पता करने के लिए मैं तरीका आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मल्टीमीटर की आप कोई सी भी लीड ले लीजिए, और इस पिन में आप देख लीजिए जो बिल्कुल पास में होती है, ये इस केबल के पास में, ये दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड टर्मिनल्स होता है, ग्राउंड पिन यहाँ पर होती है। इसके बाद में दोस्तों ये लेफ़्ट और राइट, या फिर राइट लेफ़्ट, इसको कैसे भी हम मान सकते हैं, यानी कि ये ग्राउंड है, बाकी ये दोनों जो है हमारा लेफ़्ट और राइट इनपुट होता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर चेक करना है। तो हम ग्राउंड सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो ग्राउंड के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर की लीड को यहाँ ग्राउंड वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर टच कर लेते हैं, और जो दूसरी हमारी पिन है मल्टीमीटर की, इसको अब हम यहाँ पर देखेंगे टर्मिनल पर कि कहाँ पर कंटिन्यूटी इसकी मिल रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि ये इसका जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे इसका ग्राउंड का तार जुड़ेगा और वो तार फिर हमारे पोर्ट में ग्राउंड वाले टर्मिनल पे जाएगा, यानी लास्ट वाले पे। और बाकी पे भी आप देख लो, कहीं शॉर्ट तो नहीं है ये पिन, तो यहाँ पे कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं है, केवल यहाँ पे कंटिन्यूटी है। इसका मतलब हमारा जो ग्राउंड टर्मिनल्स हैं वो ये वाला है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो लेफ़्ट और राइट है वो देख लेते हैं। लेफ़्ट देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर बीच वाले पर आप लगाइए, फिर यहाँ पर आप मल्टीमीटर की लीड को टच करके देख लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये वाले पिन जो है हमारी लेफ्ट है। राइट के लिए दोस्तों यहाँ पर आगे वाले पिन पे आपको टच कर देना है पिन पे, और फिर से कंटिन्यूटी देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले टर्मिनल पे इसकी कंटिन्यूटी हमको यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब ये वाला इसका राइट टर्मिनल है। तो इस प्रकार से हम इनके तारों का पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा तार हमारा यहाँ पर जुड़ने वाला है, यानी ग्राउंड कहाँ जुड़ेगा, लेफ़्ट कहाँ जुड़ेगा और राइट कहाँ पर जुड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ये वाला ग्राउंड पॉइंट है, ये लेफ़्ट है और ये हमारा राइट है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो अभी हम यहाँ पर स्टीरियो कनेक्शन नहीं करेंगे, केवल एक ही स्पीकर का मैं यहाँ पर कनेक्शन करके आपको बताने वाला हूँ सर्किट के अंदर। दो वाले स्पीकर का यहाँ पर कनेक्शन नहीं करूँगा मैं, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही इनपुट का यहाँ पर कनेक्शन करूँगा, एक ही स्पीकर आपको चला के यहाँ पर बताऊँगा। और यहाँ पर पोर्ट भी मैंने एक ही लगाया है, स्टीरियो चलाने के लिए आपको यहाँ पर पोर्ट भी दो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से हमने इसका एक इनपुट का तार यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इसको हमें सर्किट के अंदर देना है, इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर तार भी हम हमारी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर काट लेंगे कि कितना लंबा हमको तार चाहिए, क्योंकि सर्किट हमारा यहीं लगने वाला है, तो तार भी ज़्यादा हमको लंबा नहीं चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लंबा ले लेता हूँ, यहाँ पे इतना सा मैं यहाँ पे काट लेता हूँ। अब दोस्तों वापस इस तारों को हम छीलेंगे थोड़ा सा, और ये तार दोस्तों हमारे जुड़ेंगे पोर्ट के अंदर। तो पोर्ट में किस तरीके से जोड़ना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी। अब दोस्तों इनको हमको यहाँ पर सर्किट के अंदर जोड़ना है। तो सर्किट में जोड़ने के लिए दोस्तों जो हमारा ये जो काला तार है ग्राउंड वाला है, इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ देंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर जोड़ देंगे ग्राउंड के अंदर। इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली आपको जोड़ देना है, और जो बाकी तार है हमारा इनपुट वाला, इसको हमें
पोर्ट के थ्रू जोड़ना है, यानी कि पोर्ट में सबसे पहले जोड़ना है, फिर इसके इनपुट में इसको जोड़ना है, यानी कि जो पहला वाला है इसके अंदर इसको जुड़ेगा इस प्रकार से, और बीच वाला इसका आउटपुट है, तो आउटपुट इस सर्किट के यहाँ पे इनपुट में जुड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट जो इसका इनपुट है वो डायरेक्ट ना जोड़ के हम पोर्ट के थ्रू देंगे ताकि हम इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे जो इसका मेन सिग्नल है उसको हम पोर्ट के थ्रू यहाँ पे देंगे, तो इसको सबसे पहले हम पोर्ट में जोड़ेंगे। देख सकते हैं आप, ये पहला जो है इनपुट है, बीच वाला आउटपुट है, और लास्ट वाला इसका ग्राउंड है। तो लास्ट वाले को भी इस ग्राउंड के साथ हम चाहें तो यहाँ जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ सर्किट में जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी इसको ग्राउंड करना है। अब बीच वाले तार इसका आउटपुट हो गया पोर्ट का, तो इसमें एक टुकड़ा जोड़ते हैं तार का दूसरा, और इसको बीच वाले टर्मिनल पे यहाँ पे जोड़ते हैं। किसी भी एम्पलीफायर में दोस्तों कनेक्शन करने का तरीका यही होता है, चाहे वो छोटा एम्पलीफायर हो चाहे फिर बड़ा एम्पलीफायर हो, सेम तरीका होता है पोर्ट को यहाँ पर जोड़ने का। तो यहाँ पर दोस्तों पोर्ट पे जो आउटपुट है बीच वाला उस पर हमने एक तार जोड़ दिया, और अब ये जुड़ेगा हमारा जो सर्किट है उसके इनपुट में, तो राइट इनपुट में इसको जोड़ देते हैं, यानी कि जो ग्राउंड है उसको डायरेक्ट जोड़ा है और जो मेन इनपुट है उसको हमने पोर्ट के थ्रू यहाँ पे जोड़ा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से बहुत आसानी से यहाँ पर कनेक्शन आपके हो जाएंगे। और जो पोर्ट का जो तीसरा पॉइंट बचा है ये ग्राउंड का है, तो इसको ग्राउंड में जोड़ना है। तो ग्राउंड जहाँ पर भी आपको दिखे, चाहे सर्किट में दिखे चाहे कहीं और दिखे, वहाँ पर आपको इसको कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर पोर्ट का पूरा कनेक्शन कर दिया है, और सर्किट में सप्लाई कनेक्शन कर दिया है, इनपुट का कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया है। अब रह गया हमारा आउटपुट, यानी कि स्पीकर जोड़ने के लिए हमको यहाँ पर दो तार निकालने हैं। तो स्पीकर के लिए भी दोस्तों हम दो तार यहाँ पर ले लेते हैं और स्पीकर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में सिंपली कुछ नहीं बचा है, बस इसको सप्लाई दे करके हमको यहाँ पे चलाना है और आपको बताना है कि एम्पलीफायर की हमको किस तरह की यहाँ पे साउंड मिल रही हैं। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट एम्पलीफायर दोस्तों आपका यहाँ पर बनने वाला है, और बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर यहाँ पर बनने वाला है, और इस सर्किट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इतना छोटा है कि आप इस कहीं पर भी आपको इसको लगा सकते हैं, आप मोबाइल के साथ कोई सर्किट के साथ कनेक्ट करके जो है बहुत ही अच्छी साउंड यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। सेटअप बॉक्स में भी दोस्तों आप चाहें तो आपके एम्पलीफायर नहीं है तो आप इस तरीके का एम्पलीफायर आप लगा सकते हैं। स्पीकर में भी दोस्तों दो तार होते हैं, एक ग्राउंड होता है और एक मेन आउटपुट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टर्मिनल दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर तार जोड़ करके आसानी से स्पीकर के आउटपुट ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर स्पीकर के तार भी निकाल दिए हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर जो सर्किट है हमारा एम्पलीफायर सर्किट, इसमें से मैंने यहाँ पे दो तार निकाले हैं, प्लस 5 वोल्ट और नेगेटिव के लिए, यानी कि प्लस 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए दो तार डीसी के यहाँ पे निकाले हैं मैंने। तो इसको चार्जर के साथ में जोड़ के इसको सप्लाई दूँगा। इसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर जो हमारा सिग्नल आएगा मेन, जिसको मोबाइल के द्वारा यहाँ से जोड़ेंगे, तो वहाँ पर हमने दो तार जोड़े हैं, एक ग्राउंड जुड़ा है और एक मेन सिग्नल जुड़ा है। तो ग्राउंड वाले को हमने सर्किट में डायरेक्ट जोड़ दिया ग्राउंड में इनपुट के साथ, और जो दूसरा तार है हमारा मेन सिग्नल ब्राउन कलर का तार, इसको हमने पोर्ट के साथ जोड़ा है इनपुट में, और पोर्ट का जो आउटपुट है बीच वाला इसका पॉइंट, वहाँ से एक तार का टुकड़ा लेके सर्किट में जहाँ हमारा मेन इनपुट जुड़ता है वहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। और जो पोर्ट का जो तीसरा तार है उसको भी हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। और स्पीकर के लिए दोस्तों यहाँ पर दो तार हमने निकाल लिए हैं, जहाँ से इसका स्पीकर आउटपुट है वहाँ पे दो तार जोड़ के स्पीकर के लिए यहाँ पे तार हमने निकाल लिए हैं। अब दोस्तों हमारा सर्किट जो है बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको इसको चला के बताने वाला हूँ और इसकी साउंड आपको सुना के यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और इसमें सप्लाई देते हैं और इसको चला कर यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा मीटर को दूर रख देते हैं यहाँ पर साइड में, और यहाँ पर दोस्तों आपको कनेक्शन करके आपको बताते हैं। तो मेरा जो स्पीकर है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितना बड़ा स्पीकर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 इंच का यहाँ पर दोस्तों ये स्पीकर है। इस स्पीकर को, इतने बड़े स्पीकर को दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाने वाला हूँ इस छोटे से सर्किट के द्वारा। तो यहाँ पर हम इसका कनेक्शन करते हैं स्पीकर का। तो स्पीकर का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने स्पीकर के जो दो तार निकाले थे
इसको छीलते हैं यहाँ पर और स्पीकर के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। स्पीकर में दोस्तों आपको उल्टा सीधा तार कैसे भी लगा सकते हो, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी आप इसको जोड़ सकते हो, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी दोस्तों सप्लाई में आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है और सिग्नल आप इनपुट कर रहे हो वहाँ पर भी आपको उसका ग्राउंड और मेन सिग्नल आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा सप्लाई के तार हैं तो इनको भी यहाँ पर छील लेते हैं और सिंपली यहाँ पर हम मोबाइल का चार्जर जोड़ेंगे 5 वोल्ट का और इसको 5 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई हम देंगे। तो यहाँ पर तार हमने छील लिए हैं। अब दोस्तों मेरा ये एक चार्जर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई देता है। अब इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव हमको देख लेना है चार्जर का कि पॉजिटिव तार कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो मेरा यही तार जो है ये वाला पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर इस पॉजिटिव में यहाँ के जोड़ देता हूँ ब्राउन कलर के तार पे जो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पे जोड़ा था, और जो नेगेटिव तार हैं उसको मैं नेगेटिव के साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ। और सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी सप्लाई यहाँ पर दे देता हूँ, यानी कि इस चार्जर को एडाप्टर को मैं यहाँ पर सब ऐसे मेन में जोड़ देता हूँ ताकि इसको 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे सर्किट को मिल सकें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सिंपली हमारा मोबाइल का इनपुट जोड़ेंगे और यहाँ पर दोस्तों स्पीकर में हम उसकी साउंड यहाँ पर सुनेंगे। तो हम इसको एडाप्टर को हमारे चार्जर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं हम सप्लाई के साथ, मेन सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर हमारा जो चार्जर है इसको सिंपली हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है और हमारे बोर्ड को जो है यहाँ पर सप्लाई मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको इनपुट सिग्नल देंगे हमारे इस छोटे से बोर्ड को। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 3.5 mm का जो जैक है इसमें हम एक पिन जोड़ेंगे इस प्रकार से और इसको हमारे जो मोबाइल है उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसको मोबाइल के साथ जोड़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें साउंड किस प्रकार की हमको मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक मोबाइल लेता हूँ और मोबाइल के द्वारा यहाँ पर सिग्नल मैं आपको इनपुट करके यानी कि मोबाइल में हम गाना बजाएंगे और इस बड़े वाले स्पीकर के साथ आपको साउंड इसमें मिलने वाली है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। देख सकते हैं 6 इंची का स्पीकर आपको चला के बताने वाला है। ये छोटा सा सर्किट, बिल्कुल छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वाला। अब ये हमारा सर्किट बिल्कुल रेडी है, मोबाइल के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एडाप्टर जो है मेरा बंद कर रखा है सप्लाई, उसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ, यहाँ पे मैंने चला दिया है इसको। अब दोस्तों यहाँ पर इसका म्यूज़िक हम खोलते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको गाना यहाँ पर प्ले करके आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसकी साउंड आप सुन पा रहे हो कितनी अधिक और कितनी अच्छी इसकी साउंड है। वापस दोबारा से मैं इसकी साउंड बढ़ाता हूँ। दोस्तों ये छोटा सा हमारा एम्पलीफायर बोर्ड आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे साउंड ये यहाँ पर दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।